जय हिंद दोस्तों, नमस्कार करता हूं आप सभी को और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रमन इंडियन में। दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों को पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, मेरा कहना यह है, आप सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में थे, महेंद्र घाट पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 3 दिन होने को चला है, सभी आमरण अनशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बहरी सरकार को उनकी कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोगों को मिलकर आवाज़ लगानी होगी। अगर आज हम एकजुट नहीं होते हैं तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जो भी स्टूडेंट पहुंच सकते हैं वो आप बिल्कुल पहुंचे। हमारे बहुत साथी अभी आमरण अनशन कर रहे हैं, 3 दिन से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, वो कितने बेहोश हो चुके हैं। दोस्तों, हम कम से कम उनको मोटिवेट तो कर सकते हैं। मैं 4 तारीख का खुद टिकट मैंने बनाया था, किंतु मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जो मैं वहाँ नहीं जा पाया। दोस्तों, मेरे साथ घटना ये घटी है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम सी आ गई है जिसके कारण से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। अभी ये वीडियो मैं किस तरह बैठ के बना रहा हूँ यह मैं ही जानता हूँ। दोस्तों, जो सक्षम हैं, जो वहाँ जा सकते हैं, जो नज़दीक पास के हैं, वो अवश्य पहुँचे। हमारी बातों को आप गंभीरता से लें। हमारे बहुत से साथी वहाँ रोड पे अहिंसा के रूप में वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सभी कोई हिंसा का मार्ग नहीं अपना रहे हैं, वो शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है ताकि उन लोगों को मोटिवेट मिले, उन लोगों को बल मिले, उन लोगों का भी मनोबल मजबूत हो और हमारी बातों में दम आए। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो मेरे जितने भी साथी भाई देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अवश्य पटना पहुँचे और वहाँ पर देखें, समझें, एकजुट हों और सभी मिल के सरकार तक अपनी बातों को रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, लेकिन आप लोग वहां अवश्य पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।